हर साल की भांति इस वर्ष भी बालाजी सेवा संस्थान के तत्वावधान में आज रविवार को तेजाजी की देवली नयाघर गुलाबबाड़ी अजमेर में 11वां विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर व निःशुल्क हीमोग्लोबिन ब्लड ग्रुप जांच, ब्लड शुगर व स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि त्रिलोक चंद्र इंदौरा रहे। विशिष्ट अतिथि में कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन, नीरज भाटी, बलवीर सिंह देवगण रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9:30 बजे दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इसके बाद सुबह 10 से स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस शिविर में प्रशिक्षित व प्रख्यात डॉक्टर्स की देखरेख में स्वास्थ्य जांच की गई व परामर्श दिया गया। ब्लड बैंक जवाहरलाल नेहरू अस्पताल व जनाना अस्पताल दोनों यूनिट्स ने सहयोग किया। राज्य सेवा संस्थान की ओर से 11वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रखा है और हर साल ये ऐसा ही हम स्वैच्छिक रक्तदान शिविर यहाँ लगाते हैं बाला तेजाजी की देवली में। और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रक्तदान स्वैच्छिक लोग आकर के अपनी इच्छा से युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है इसमें। और हमने लास्ट ईयर भी 200 यूनिट का हमने पूरा 200 यूनिट ब्लड दिया था यहाँ पे। और इस बार भी हमने GLN से, त्रिवेणी से और जनाना हॉस्पिटल से तीनों की यूनिट हमारे पास यहाँ बैठी हैं। और इस बार भी हम 250+ करने का सोच रहे हैं कि सारे युवा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और जिससे हम लोग 200-250 यूनिट ब्लड डोनेट करेंगे। और ये बालाजी सेवा संस्था की ओर से लगाया जाता है तो शिविर लगा रहे हैं। इसके साथ हमने एक ब्लड शुगर का कैंप भी लगाया हुआ साथ में और होमोग्लोबिन टेस्टिंग का फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सारा टेस्ट यहीं हो रहे हैं। क्या जरूरी ब्लड डोनेशन? ये कई लोगों के काम आता है। एक स्वच्छ प्राणी के अंदर 5 से 6 kg करीब यूनिट ब्लड होता है और जिसमें से कि 300 यूनिट एक बार में लिया जाता है। अगर एक साल में एक यंग आदमी अगर 300 यूनिट भी देता है तो 300 ml यूनिट निकालते हैं तो उससे उसकी मतलब कि शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो आने वाले 10 लोगों के काम आता है। वो कब तक चलेगा? ये शाम 5 बजे तक चलेगा। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।